हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पहली बात तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड कस्बा बहू में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बताना अभी आप लोग क्या कर रहे हो? अभी आफ्टरनून की टाइम हो रही है, मैं जा रही हूँ बनाने लंच। आज सबके घर में, सबके घर और सबके हस्बैंड की छुट्टी होगी तो सब अपने अपने घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मैं भी अपने घर में एंजॉय कर रही हूँ। आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज मेरे बेटे की भी ऑनलाइन क्लास छुट्टी चल रही है। आज वेडनेसडे है। जिस दिन छुट्टी रहते हैं उस दिन तो और हमारा डे काफी लेजी लेजी जाता है। अभी हम लोगों ने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया था, तो मैंने पोहा खा के अभी लंच की प्रिपेयर की है। और मैं रोटी चीनी पाव खाया, जल्दी खा गया। जल्दी खा लिया। थोड़ी सी मम्मी दी थी मुझे। ओके, कहने के लिए होता है कि हाउसवाइफ एक काफी सिर्फ खाना बनाती है, घर में रहती है, मैनेज कर लेती है, बट करने के बाद पता चलता है कि हाउसवाइफ कितनी कुछ मैनेज करती है। घर, फैमिली, बच्चे, टाइम टेबल से लंच प्रिपेयर करना, हस्बैंड को ऑफिस टाइम से मतलब खाना बना के देना, काफी हेक्टिक चलता है। बच्चे को ऑनलाइन, अभी क्लास हो रहे हैं तो ऑनलाइन के वजह से काफी बच्चे के टाइम देना पड़ता है, एक्टिविटी कराओ, काफी टाइम ये हो जाता है। हाउसवाइफ काफी कुछ मैनेज करती है, बट होता है सब मैनेज कर लेते हैं। जब किसी को करना पड़ता है तो सब अपने आप ही लोग मैनेज कर लेते हैं। चलो, तो मैं आज लंच बनाने जा रही हूँ, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं लंच में क्या बना रही हूँ। ये देखो गाइस, मैंने फ्राइड राइस के लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं कैबेज, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, बीट, बीन्स, थोड़े से काजू, एक टू अनियन है, बट मंचूरियन के लिए भी मैंने प्रिपेयर किए हैं वन अनियन। अब इसको जितने बारीक आप काट सकते हो उतने काट लो, अदरवाइज जैसे मोटे काटोगे तो वेज राइस में अच्छे नहीं लगेंगे। वेज राइस का यही है कि जितने वेजेस आप डाल लो उतने अच्छे बनेंगे, क्योंकि बच्चे भी अच्छे से मजे से खा लेते हैं। बच्चे को भी कुछ कुछ वेजेस इसमें पता नहीं चलते हैं कि इसमें क्या वेजेस है, इसीलिए इसमें जितने वेजेस डाल लो उतने अच्छे रहते हैं। मैंने इसके लिए थोड़े से वन बाउल मैंने पीस लिए हैं। वन बाउल मैंने इसमें पोटैटो बारीक कटे हुए लिए हैं। आप इसमें बड़ी भी डाल सकते हो, सोया बड़ी जो होते हैं वो डाल लो, पनीर डाल लो, जितने कैरेट डाल लो। मेरे पास अभी ये सब नहीं है अवेलेबल, तो मैं अभी इतने से ही काम चला लूंगी। और मैंने इसके लिए राइस पहले ही इसको बॉईल कर लिया है, 80% बॉईल किया है, 100% तक नहीं बॉईल करने, 20% अभी जो मैं फ्राई करूंगी उसमें पक जाएंगे, तो इसमें अभी 80% राइस पक चुके हैं। इसको ठंडे होने के लिए मैंने रख दिए थे, इसीलिए मैंने राइस पहले ही बना लिए हैं। आप जब राइस बनाओगे तो ये दालचीनी जो होती है उसमें डाल देना, और ये स्टार वाली जो मसाले होते हैं वो वाले डाल के बॉईल करोगे तो इसमें बहुत अच्छी सी फ्लेवर आएगी। तो मैंने ये सब कर लिए हैं। गैस पे मैंने फ्राई पैन रख दिए हैं गर्म होने के लिए। अब इसमें मैं घी डालूंगी। बन सके, फ्राई पैन गर्म हो गए हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। घी को गर्म होने देते हैं, तब तक कैरेट काट लेते हैं। देखो गाइस, मेरी नाइफ में शार्प नहीं है, तो मैंने ये नाइफ शार्प के लिए मंगाया है, ऑनलाइन से मंगाया है, काफी हेल्पफुल है, आप लोग भी चाहो तो यूज कर सकते हो। देखो इसमें मेरी थोड़ी सी शार्प नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे इसमें ये करूंगी, इससे काफी शार्प हो जाते हैं। आप जितनी चाहो उतने कर सकते हो। इसमें 3 दिए हुए हैं। अब ये देखो नाइफ काफी शार्प हो गए, इससे काफी अच्छे से मेरी अनियन कट जाएगी। ये देखो गैस, मैंने 2 चम्मच घी लिए थे वो गरम कर लिए हैं। अब मैं इसमें जीरे डालूंगी, जीरे डाल के सबसे पहले गोभी, जो कच्चे कैप्से वो जो पकने में थोड़े टाइम लगते हैं, उसको मैं वेजेस डालूंगी।
देखो गाइस, एक एक करके दो दो सेकंड करके सारी वेजेस, मतलब दो दो सेकंड भून भून के सारी वेजेस इसमें डालने पड़ेंगे। इसमें मेरी मिस्टेक भी हो गई है थोड़ी सी। आप लोग अगर बनाओगे तो सबसे पहले अनियन पड़ते हैं, मैं अनियन डालना भूल गई। मैंने पहले सबसे पहले कॉलीफ्लावर ही मैंने डाल दिए, तो आप सबसे पहले अनियन डालना। अभी मैंने, मुझे याद आया तो मैंने अभी डाले हैं। मैं भी एक्सपीरियंस इतनी ज्यादा मेरे को भी नहीं है, इसलिए मैं अभी वीडियो बनाने के चक्कर में भूल गई। बट कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी प्याज भूनेंगे नहीं, इसके साथ साथ प्याज भी भून जाएंगे। तो इसको ना, इसको दो से तीन मिनट तक नमक डालकर भूननी है। उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ी सी विनेगर डालूंगी इसमें। जब थोड़े से ये भून जाएंगे, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तब आधा चम्मच इसमें गार्लिक अनियन की पेस्ट डालूंगी और थोड़ी सी मैगी मसाला, एक पैकेट मैगी मसाला डाल दूंगी। काफी ये फ्राइड राइस हेल्दी बन जाते हैं, बच्चे भी काफी एंजॉय करते हैं। एक दो बार चलाने के बाद इसमें मैं डालूंगी वन चम्मच सोया सॉस। ज्यादा नहीं डालनी है आपको, अगर खट्टी फ्लेवर चाहिए तो आप ज्यादा डाल सकते हो, बट हमें ज्यादा इसकी फ्लेवर नहीं पसंद है, तो मैं 1 से 2 स्पून डाल रही हूँ। थोड़ी सी 1 स्पून चिली सॉस, वन स्पून विनेगर। मैं अंदाज से डाल रही हूँ, आप अपने अंदाज से ही डाल देना। नमक भी स्वाद अनुसार डाल देना और 1 स्पून शुगर भी चाहिए इसमें। इसमें टोमेटो सॉस भी जाएंगे। इसको थोड़े थोड़े राइस जब भून जाएंगे तो डाल के इसको चलानी है। ये देखो कितनी कलरफुल लग रहे हैं, ये देखो। एक बार में सारे राइस नहीं डालना, अदरवाइज ये अच्छे से चला नहीं पाओगे आप। थोड़े थोड़े करके डालते जाने हैं और चलाते रहने हैं। सारे राइस डाल के इसको 2 मिनट तक मीडियम आंच पे ऐसे चला के भूनने हैं, उसके बाद ये डन हो जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, मैंने फ्राइड राइस एंड रायता बनाया है, सिंपल एंड हेल्दी है, काफी अच्छे हैं, बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। इतने सारे वेजेस डाल के आप बनाओगे तो क्यों ना भाई, इतने अच्छे फ्राई राइस बनेंगे। और इसके साथ कॉम्बिनेशन ये है बूंदी वाले रायते। बूंदी वाले रायते मैंने इसीलिए रेसिपी नहीं दी कि बूंदी वाले रायते तो सबको जानते हैं बनाने के लिए, बट कभी आप बोलोगे तो मैं जरूर रेसिपी शेयर करूंगी। बूंदी वाले की रायते की रेसिपी क्या शेयर करना, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ये देखो बूंदी वाले रायते एंड वेज फ्राइड राइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।